आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानेंगे जहां से जिंदा वापस लौटना नामुमकिन है, बल्कि जो भी यहां गया है उसकी डेड बॉडी तक रिकवर नहीं हो पाई। अंडमान जाते वक्त फ्लाइट से आपको बहुत अलग अलग तरह के आइलैंड्स दिखते हैं और सभी अपने आप में बेहद ही खूबसूरत हैं। उन्हीं में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। साल 2018 में एक अमेरिकन जॉन एलन चाओ यहाँ पे इलीगली गए थे और अपनी जान गंवा बैठे। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के डेट में हमारे पास इतनी उन्नत किस्म की मिलिट्री और फोर्सेस होने के बावजूद हम उनकी डेड बॉडी तक रिकवर नहीं कर पाए। ऐसी ही एक घटना अंग्रेज़ों के समय भी हुई जब भारत गुलाम था। उस समय एक कैदी अंग्रेज़ों की जेल काला पानी से फरार हो निकला और एक नाव पर कैसे भी करके तैरते हुए जा पहुँचा सेंटिनल आइलैंड। उसे लग रहा था कि वो अब बच जाएगा और उसने मौत को मात दे दी, लेकिन उस खूबसूरत आइलैंड को देखते हुए उसे नहीं पता था कि जैसे ही वहाँ पहुँचेगा उसकी मौत उसका वहाँ इंतज़ार कर रही होगी। और आपको यकीन नहीं होगा, कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी के नाव पर मिली। उसके शरीर में अलग अलग तीरों के निशान थे और गला काट दिया गया था। आदिवासियों का ख्याल आते ही आपके दिमाग में क्या यही ना कि वो आपको पकड़ के ले जाएंगे, अपने सरदार के पास लेकर जाएंगे और वह शायद आपको पकाकर खा जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ समस्या ये नहीं है कि वो आपको पकड़ लेंगे और फिर आपको पका के खा जाएंगे, बल्कि समस्या ये है कि वो आपको अपने आइलैंड पे कदम रखने ही नहीं देना चाहते। पोर्ट ब्लेयर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये आइलैंड विश्वास भी नहीं होता कि आज भी 10,000 सालों से मनुष्यों की पहुँच के बाहर है। और इस आइलैंड पर अगर किसी ने भी कदम रखा तो चाहे कोई भी हो वो उसे तीरों से भून डालते हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग खेती करना तो बिल्कुल नहीं जानते और शायद सिर्फ मछलियों का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा शायद इनको जंगलों से भी काफ़ी कुछ मिल जाता होगा। और यहाँ पर सबसे पहले आने वाले लोगों में से नाम शामिल है कोलंबस का। वो यहाँ आए अलग अलग उपहारों के साथ, लेकिन उनके सारे उपहार तो छीन ही लिए गए, बल्कि उन्हें इस आइलैंड पर कदम भी नहीं रखने दिया गया और इन्हें भी वैसे ही खदेड़ दिया गया जैसे अन्य लोगों को यहाँ पे किया जाता है। तो इस वजह से उन्होंने अपने बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा है। वैसे तो यहाँ जाना बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ मछुआरे, जैसे कि 2006 की घटना है, वो बेचारे सोते हुए रह गए और गलती से उनकी नाव बहकर इनके आइलैंड पर चली आई। और जैसा सबके साथ होता रहा उनके साथ भी वही हुआ, उसी नाव पर उनकी लाश 2 दिनों बाद जब्त हुई। वैसे तो भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इस आइलैंड को भारत का एक भाग घोषित करने के लिए हेलीकॉप्टर से एक पत्थर गिराया गया जिस पे कि लिखा हुआ था कि ये भारत का भाग है। ये तरीके अपनाने पड़ते हैं यहाँ पे भारत सरकार को, आप सोच सकते हैं। और ऐसे ही ये 10,000 सालों से अछूता नहीं रहा है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। इन्हें मछलियाँ पसंद है ये बात तो सभी को पता है, और ऐसे ही बातों का कुछ इनके डिटेल्स का फ़ायदा उठाकर नेशनल ज्योग्राफिक की टीम, जो कि पूरे अंडमान पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी मैन इन द सर्च ऑफ मैन, उसी के एक हिस्से में उन्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी कवर करना था। तो जैसा कि वो जानते थे कि इन्हें क्या क्या पसंद है, वो सारे सामान लेकर अपने नाव पर आए। लेकिन आते ही इन्होंने पूरा हंगामा शुरू कर दिया और अपने तीर बरसाने शुरू कर दिए उस टीम पर। उस टीम में कुछ पुलिस के दल भी थे, तो वो अपने कवच को पहनकर और जितने भी गिफ्ट्स वो उनके लिए लाए थे, नारियल, मछलियाँ, सब लेकर उस तट पर रख के पीछे वापस नाव में आ गए। और इन पुलिस वालों को लगा कि शायद अभी इन गिफ्ट्स को पाकर ये थोड़े शांत हो जाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब तक कि ये नाव वापस लेकर पीछे दूर तक समुद्र में वापस नहीं चले गए, वो अपने तीर बरसाते रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंत में नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने अपनी उस डॉक्यूमेंट्री को वापस करने का फ़ैसला किया और ये सेंटिनल आइलैंड कवर नहीं हो पाया। बल्कि जैसे ही थोड़ा सा नज़दीक आकर वो अपना कैमरा सेटअप स्टार्ट कर ही रहे थे कि उनके जो मेन डायरेक्टर थे आर के वैद,
एक तीर आकर उनकी जांग में लग गया। और जब वो घायल हो गए तो फिर ऑब्वियसली पूरी डॉक्यूमेंट्री कैंसिल करनी पड़ी और निराश होकर ये सभी लोग वापस आ गए। तो ये महज एक घटना नहीं थी, ऐसा जब भी किया गया है कि इन्हें थोड़ा भी अप्रोच करने की कोशिश की जाती है ये बिल्कुल साफ मना कर देते हैं और अपने तीरों से सभी को वापस भेज देते हैं। इनके ऐसे बर्ताव के पीछे शायद ये इतिहास हो सकता है कि जब भी यहाँ कोई फिरंगी या कोई अंग्रेज़ आए होंगे तो वो यहाँ से इन लोगों को किडनैप करके बंधुआ मजदूर का काम कराने के लिए यहाँ से लोगों को ले जाते रहे होंगे। इसी वजह से ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ये सीखती कि कोई भी बाहरी व्यक्तियों से किसी तरह का मेल जोल नहीं रखेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, इसी में पूरे आइलैंड की भलाई है। शायद ऐसा ही हुआ 2018 में जब जॉन एलन चाऊ एक ईसाई मिशनरी के रूप में वहाँ पर गए। हालांकि वहाँ जाना मना था लेकिन फिर भी इन्होंने इलीगली कुछ मछुआरों को रिश्वत देकर तैयार कर लिया कि वो इस आइलैंड के जितना नज़दीक हो सके वहाँ तक पहुँचाएँ। और इंडियन कोस्ट गार्ड्स को धोखा देते हुए उन मछुआरों ने इन्हें काफ़ी नज़दीक पहुँचा भी दिया, लेकिन पूरे पूरे आइलैंड तक पहुँचाने का जिम्मा उनका नहीं था। इसलिए एक छोटे नाव पर उन्होंने कहा कि जॉन अब आप यहाँ से अपना रास्ता खुद तय करिए। खैर, जॉन ने जाने से पहले एक चिट्ठी दी और उसमें उन्होंने उस 13 पेज की चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि आप लोग प्लीज़ इन नॉर्थ सेंटिनल से कोई नफरत मत करिएगा। उन्होंने उस मछुआरे से कहा, मैं इस बार वापस नहीं आऊँगा और उस आइलैंड पे ही रुकूँगा, तो तुम मेरा ये संदेश मेरे दोस्त एलेक्स के पास पहुँचा देना जो मेनलैंड में रहता है। इतना कहकर वो अपनी छोटी सी नाव में निकल पड़ा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ। उसे पास आता देख चार सेंटिनल्स ने उसे अप्रोच किया। जॉन ने कहा, हाय, मेरा नाम जॉन है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और जीसस भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। भला सेंटिनल्स को उसके शब्द कहाँ समझ में आने वाले थे, वो उसकी भाषा से अनजान थे। और एक छोटे सेंटिनल ने उससे गुस्साते हुए एक तीर चला दिया और वो तीर जाकर सीधा जॉन को मौत के घाट उतार दिया। उनकी मौत के बाद अमेरिकन कॉन्सुलेट ने काफ़ी दबाव बनाया भारत सरकार पे कि कैसे भी करके उनकी डेड बॉडी ही रिकवर कर ली जाए। और भारतीय टीम एक पुलिस दल के साथ वहाँ पहुँची भी। उन्होंने अपनी चिट्ठियों में साफ जिक्र किया था कि वो किसी के दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि कैसे भी उनकी डेड बॉडी रिकवर की जाए। उस मछुआरे को जेल की सजा दी गई और भारतीय टीम एक पुलिस दल के साथ वहाँ पे पहुँची। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उस पुलिस दल का स्वागत उन तीरों ने किया, उन नुकीले बाणों ने किया, जिसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। और अंत में भारत सरकार ने मजबूर होकर यह आदेश दिया कि वो अपनी पुलिस टीम को वापस बुला ले। यहाँ से वापस चलो, हम किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते। साल 2004 की सुनामी में बहुत ज़बरदस्त तबाही मची और भारत सरकार को चिंता थी कि सेंटिनल्स अभी भी बचे होंगे या नहीं, और इसलिए उसने एक दल भेजा जो हेलीकॉप्टर से निगरानी रखने वाला था, क्योंकि तस्वीरें काफ़ी विचित्र आ रही थीं और काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन वहां जाते उल्टा इनके जान पे बनाई। अपनी पोजीशन याद रखो और बेस पर रुको। इनकी रेपुटेशन आज से ही ऐसी नहीं है, काफी पहले से है। सेंटिनल्स का इतिहास उठाएं तो 13वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो यहाँ पर आए तो वो अपनी बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में लिखते हैं, नरभक्षी और सबसे ज्यादा क्रूर बदला लेने वाली जाति जिनके सिर आंख और दांत कुत्तों की तरह होते हैं। बात है सन 1867 की, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था। उस समय एक नाव जो कि 106 यात्रियों के साथ सफ़र कर रही थी, तेज़ लहरों की वजह से जा पहुंची नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ और वहां एक चट्टान से टकराकर वहीं क्षतिग्रस्त हो गई। और ऐसे में उन सभी लोगों की जान पर खतरा बनाया। पहले तो वे बेहद खुश हुए कि उन्हें एक आइलैंड मिला है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तीरों से उनका स्वागत हुआ और जल्दी से उन्होंने आनन फानन में पास में ही पोर्ट ब्लेयर से रॉयल नेवी को बुलाया, जिसने ऐन वक्त पर पहुँच कर उनकी जान बचा ली। रॉयल नेवी के कप्तान ने सिर्फ इनकी जान नहीं बचाई बल्कि वहाँ से वापस जाते समय 6
सेंटिनल्स को अपने साथ लेकर आया जिसमें 2 वयस्क और 4 बच्चे थे। लेकिन इन दोनों वयस्कों की तबीयत बहुत ही तेज़ी से ख़राब होने लगी। शायद वो यहाँ की अलग अलग बीमारियों से इम्यून नहीं थे और इस तरह की बीमारियों को झेलने की उनकी आदत नहीं थी और जल्दी ही वो मर गए। इस वजह से उन बच्चों को आनन फानन में वापस उनके आइलैंड पे छोड़ा गया और ये पता चला कि खुद इन्हें कितना ज़्यादा खतरा है। अंग्रेज़ कितने क्रूर होते थे ये तो हम जानते ही हैं, और इसी का नतीजा था कि उनके आने से पहले जहां इनकी संख्या 5,000 हुआ करती थी वो महज 1,000 रह गई थी आज़ादी के समय। एब ओरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956 के अनुसार इस आइलैंड पे जाना पूरी तरह वर्जित कर दिया गया, क्योंकि न सिर्फ यहाँ जाने वाले लोगों को इनसे खतरा है बल्कि खुद इस आइलैंड के लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं जिससे संभव है कि इस पूरे आइलैंड का ही सर्वनाश हो जाए। जो बीमारियाँ हमारे लिए मामूली हैं वो हो सकता है इस आइलैंड के लिए एक महामारी साबित हो जाए। 6 साल की लंबी रिसर्च के बाद मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीएन पंडित वहाँ जाने वाले सफल व्यक्तियों में से एक हैं। उनके अनुसार हम बर्तन, मटके, नारियल, हथौड़े और चाकू जैसे लोहे के औजार गिफ्ट के रूप में अपने साथ लेकर गए थे। हम अपने साथ ओंग जनजाति, जो कि अन्य स्थानीय जनजाति से ताल्लुक रखते थे, के 3 पुरुष भी लेकर गए थे ताकि सेंटिनल्स के व्यवहार को समझने में और उनकी बातों को समझने में हमें मदद मिल सके। लेकिन सेंटिनल्स गुस्से में अपने गंभीर चेहरों के साथ और लंबे धनुष और तीर के साथ सशस्त्र होकर हमारे सामने आए। वो अपनी जमीन को बचाने के लिए घुसपैठियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमसे मिलने का ये उनका अपना फैसला था और मीटिंग उनकी शर्तों पर हुई। हम नाव से बाहर निकले और गर्दन तक पानी में खड़े होकर उन्हें नारियल और अन्न उपहार दिए, लेकिन हमें उनके आइलैंड पर कदम रखने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। मैं उन्हें नारियल देकर अपनी टीम के साथ दूर हो रहा था और किनारे पर वापस जा रहा था, तभी एक सेंटिनल लड़के ने अजीब सा चेहरा बनाया और अपनी चाकू लिया और मेरे ओर इशारा किया कि वो मेरा सिर काट देगा। मैंने तुरंत नाव वापस बुलाया और वापसी कर हमें उनके साथ सीमित संचार करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनके अकेले रहने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अंडमान में विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं और आइए अब जानते हैं कि ये जनजाति वास्तव में कहां से आई है। मशहूर लेखक टोनी जोसेफ अपनी बुक अर्ली इंडियंस में लिखते हैं कि किस प्रकार ये जाति मूलतः अफ्रीका से थल मार्ग के द्वारा चलते चलते पिछले 60,000 वर्षों में एक लंबे कालांतर द्वारा इतने लंबे सफ़र को तय करते हुए धीरे धीरे पहले यमन आई और वहाँ से चलते चलते भारत आई। उसके बाद और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये आगे बढ़ते चले गए और अंततः ऑस्ट्रेलिया जा पहुँचे। अंडमान की बात करें तो यहाँ आए हुए इन्हें 10,000 से लेकर 29,000 वर्ष हुए हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसे में भारत सरकार को अगर इन पर कोई निगरानी रखनी होती है कि इनके कुशल क्षेम की जानकारी ली जा सके, तो इसके लिए ना इन्हें नाव से टीम भेजने की ज़रूरत है ना हेलीकॉप्टर्स भेजने की ज़रूरत है। आज ड्रोन का ज़माना है और हम जो भी इनकी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हम ड्रोन के माध्यम से इनकी निगरानी कर लेते हैं। ऐसे में किसी की जान को कोई जोखिम भी नहीं होता है और हमें जो जानकारी चाहिए वो मिल भी जाती है। तो प्रस्तुत हैं कुछ पिक्स जो ड्रोन के माध्यम से ली गई हैं, और अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं इसमें से कुछ आकृतियाँ सुनामी के पहले की हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे इन्होंने खुद को सुनामी जैसे भीषण आपदा से भी बचाया होगा। जिस जिज्ञासा के साथ ये ड्रोन्स को देखते हैं उसे देख के ऐसा लगता है जैसे मानो हम इनके लिए एलियंस हों और ये आइलैंड ही इनके लिए पूरी पृथ्वी है। साल 1980, जब भारत सरकार का एक जहाज़ जिसमें बहुत सारे सामान थे वो लेकर अंडमान की तरफ जा रहा था, लेकिन तेज़ लहरों के बहाव से वो जा पहुंचा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ। और जैसा ब्रिटिश सरकार के समय हुआ था वैसा इस बार भी हुआ, ये नाव क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं पर फंस गई। ऐसे में अचानक से उन लोगों ने देखा कि ये सेंटिनल जल्दी जल्दी एक जंगी बेड़ा बना रहे हैं और वो तैर कर उनके नज़दीक आने वाले हैं। तो इससे पहले कि वो आते, तुरंत नेवी और मिलिट्री को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा फटाफट उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। और इस तरह से उस जहाज़ पे जितना भी सारा सामान था वो सब इन आदिवासियों के हाथ लग गया और वहाँ से जान बचाकर लोगों को तुरंत वहाँ से रेस्क्यू किया गया, अन्यथा इन तीरों से भेद डाला गया होता उन्हें।
और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नाव आज भी वहीं पर है। मैं आपको गूगल मैप पे दिखाता हूँ, बल्कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप भी देखें कि देखिए ये नाव आज भी वहाँ पर फंसी हुई है। समय समय पर हेलीकॉप्टर द्वारा उसका कुछ कुछ सामान तो वहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन नाव का जो वास्तविक ढांचा है आज भी मैप में दिखाई देता है। काफ़ी दिलचस्प है ये। तो सेंटिनल्स को पसंद क्या है ये हमने जाना है कि मछलियाँ उन्हें पसंद है और नारियल उन्हें पसंद है। इन दोनों बातों का फ़ायदा उठाकर और काफ़ी रिसर्च के बाद जनवरी 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय भारत की पहली महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जो यहाँ पर जाके इनसे प्यार भरा माहौल बनाकर मिलने में सफल रहीं। और ये बहुत बड़ी बात थी, इतना साहसिक कदम अब तक किसी ने नहीं उठाया था। और TN पंडित की अगुवाई में जो टीम वहाँ पर गई थी उसने काफ़ी सारे कोकोनट्स और अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लेकर उनका स्वागत किया, और सेंटिनल्स ने भी ये काफ़ी खुशी खुशी लिया भी। लेकिन क्या ये इतना ही आसान था? हम आपको बता दें कि वास्तव में एक यंग सेंटिनल ने बिल्कुल तीर तान कर रखा था और निशाने पे थी मधुमाला में, और ऐन वक्त पे अगर उस सेंटिनल की माँ नहीं आती और निशाना भटका नहीं देती तो शायद आज मैम जिंदा नहीं होती। और अब वीडियो के अंत में मैं वो फुटेज डाल रहा हूँ जो बिल्कुल अनएडिटेड है, और यहाँ पे वो कैसे पूरी जर्नी कैसे उनके साथ इंटरेक्ट किया गया, वो सारा TN पंडित का जो टीम का एक्सपीरियंस था आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का आनंद लीजिए और इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। Come on.
Sentinelese continue to live as hunters and gatherers, solely dependent on food provided by nature. The Sentinelese had a very mixed reaction towards this. In the first place, they cheerily waited us on the shore and they indicated their presence by walking down towards the beaches and then disappeared.